Hello student, today we are going to start your English grammar subject in standard 8. Okay, हमने last video में क्या देखा था? Verb के बारे में हमने देखा था. Verb कितने type के हैं? दो type के. कौन कौन से? Finite verb and non-finite verb. Finite verb किसको कहते हैं? तो जिस जो भी verb होता है वो tense या तो subject की ओर से change होता है तो वो हो गया फाइनाइट वर्ब. और जिस जो चेंज नहीं होता है, जो भी वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता है और उसके आगे टू लगता है, वर्ब के आगे क्या लगता है? टू, तो वो हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, अब हम क्या आए थे? जेरंड. क्या आए थे? जेरंड. तो जेरंड क्या है कि इज मेड बाय एडिंग आई एन जी टू द मेन वर्ब. जो भी हमारा मेन वर्ब होगा उसके पीछे आई एन जी लगेगा तो वो क्या हो गया हमारा? जेरंड. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. क्या है? स्विम जो है वो हमारा मेन वर्ब है, उसके पीछे क्या लगा? आई एन जी लगा, तो ये क्या हो गया? जेरंड. ओके, सो नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए वर्बल नाउन बिकॉज थॉट इट बिलोंग्स टू द वर्ब फैमिली बट इट फंक्शन एज नाउन सच एज. फॉर एग्जाम्पल स्विम वाला एग्जाम्पल हमने देखा. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. वॉक हमारा मेन वर्ब है, उसके पीछे क्या लगा? आई एन जी. आई एन जी लगा तो क्या हो गया हमारा? जेरंड. क्या हो गया? जेरंड. ओके, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है. इन्फिनिटिव फाइनाइट नॉन फाइनाइट जेरंड पार्टिसिपल कुछ भी आता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, अब थर्ड है पार्टिसिपल. क्या है पार्टिसिपल? तो पार्टिसिपल इज कॉल्ड ए वर्बल एडजेक्टिव बिकॉज थॉट इट बिलोंग्स टू द वर्ब फैमिली बट इट एक्ट्स एज अन एडजेक्टिव. जो भी एडजेक्टिव होगा तो उसको बोलेंगे हम पार्टिसिपल. क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल. ओके, देर आर थ्री फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल. कितने फॉर्म हैं पार्टिसिपल के? कितने फॉर्म हैं? थ्री फॉर्म. ओके, कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब प्लस आई एन जी. क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल के तीन टाइप हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है? वर्ब प्लस आई एन जी. क्या है? वर्ब प्लस आई एन जी होगा तो क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग अप हीज गन ही शाउट द टाइगर. वर्ब क्या है? टेक है. टेक क्या हो गया हमारा? वर्ब, उसके पीछे आई एन जी लगा तो वर्ब प्लस आई एन जी, तो वो क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, लॉकिंग द गेट ही वेंट आउट फॉर ए वॉक. लॉकिंग क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, सो नेक्स्ट, सेकेंड पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो वो होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल. ओके, तो ट्राइड ऑफ वर्क ही वेंट आउट टू प्ले. इसमें ट्राइड जो है वो क्या है? थर्ड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म है एंड वेंट भी क्या है? थर्ड फॉर्म. तो ये क्या, सॉरी, वेंट भी क्या है? थर्ड फॉर्म. तो ये क्या हो गया हमारा? पास्ट पार्टिसिपल. वैसे सेकेंड एग्जाम्पल, बोरेड विथ द स्पीच द लेफ्ट द हॉल. शी लेफ्ट द हॉल. बोरेड है तो बोरेड थर्ड पार्टी, थर्ड वर्ब है, वर्ब के थर्ड टाइप है तो वो क्या हो गया हमारा? थर्ड टाइप ऑफ वर्ब. इसीलिए ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल. ओके, अब उसकी थर्ड टाइप है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको बोलेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल. क्या बोलेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल. तो हैविंग में क्या आएगा? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा तो होगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, हैविंग ईटन हिज मील ही वेंट ऑफ टू स्लीप. हैविंग ईटन हिज मील ही वेंट ऑफ टू स्लीप. तो हैविंग है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल. ओके, सेकेंड, हैविंग हियर द न्यूज़ शी फेंटेड.
having heard the news, she fainted. Having है, heard है. Having plus heard. हमारा थर्ड फॉर्म है heard. तो ये क्या हो गया? Having heard. परफेक्ट पार्टिसिपल. ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं जो इन्फिनिटिव है. इन्फिनिटिव में क्या है? आगे क्या आएगा? वर्ब के आगे क्या आएगा? टू. ओके, जेरंड जो है उसके पीछे क्या आएगा? जो वर्ब होगा उसके पीछे आएगा आई एन जी. पार्टिसिपल है. पार्टिसिपल कितने टाइप के हैं? थ्री टाइप के. फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है? वर्ब प्लस आई एन जी. पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट. सिंस द नॉन इन्फिनिटिव वर्ब्स डू नॉट फंक्शन एज वर्ब, वी डू नॉट कंसिडर धैम एज वर्ब्स. Only the finite verbs are considered as verb. A finite verb is the most important part of a sentence. There can be no sentence without a finite verb. कोई भी sentence होगा तो वो finite verb के अलावा नहीं होगा. कोई भी sentence होगा उसमें finite verb तो होगा ही. Okay? So let me solve exercise number 2. ओके, तो एक्सरसाइज नंबर टू में क्या करना है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब. स्टोरी जो दी है उसको हमें रीड करना है और उसमें जो भी फाइनाइट वर्ब है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. पहले हम जो स्टोरी है हमारी वो रीड कर लेते हैं. विष्णु राव स्ट्रक हिज फोरहेड विथ वन हैंड. ओ You foolish woman, you have insulted my guest, and a guest is like a god. When will you ever learn? Here, give me this stick. I will run after him and present it to him personally. Vishnu Rao grabbed the stick and began to run after Brahim. Brahim, wait, he called out. Do not disappoint me, I say wait. The Brahmin looked over his shoulder. Seeing Vishnu Rao running after him, armed with a stick, he ran faster than ever. In a few minutes, he had disappeared from view. Vishnu Rao came back as a dejected man. He scolded Birdman some more for refusing to give the guest what he had asked for. Then he had his mail and forgot all about the incident. But the Brahmin did not forget. He went round whispering in people's ear, never go to Vishnu Rao's house for a meal. The fellow will first feed you and the harmer you with a stick. Good and hard people believe the him. ओके, तो ये है हमारी स्टोरी. और इसमें हम जो भी फाइनाइट वर्ब है उसके नीचे क्या करना है? अंडरलाइन करनी है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अंडरलाइन की है. तो पहला क्या है? स्ट्रक. क्या है? स्ट्रक के नीचे. स्ट्रक क्या है? हमारा फाइनाइट वर्ब. और हैव इंसल्ट. हैव इंसल्ट क्या है? फाइनाइट वर्ब. और स्किल, सॉरी, लाइक. और विल, लर्न, गिव. Will run after, present, garbage, begun, called. ये जो मैं बोल रही हूँ वो है हमारा finite verb और उसके नीचे आपको underline करनी है. Okay? Disappoint, say, locked up, ran, had disappeared, come back, scolded. Had asked, he had forgot, went, go, feel,
हार्मर एंड बिलीव्ड. ओके, तो ये हो गए आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 फिनिश. तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया. अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके.